सेक्स स्कैंडल में फंसे बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवराम जैन को अब कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। उनके खिलाफ जोधपुर के राजीव गांधी नगर में दुष्कर्म और पॉक्सो की धाराओं में दर्ज मुकदमे को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। नमस्कार, मैं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। महिला से दुष्कर्म और नाबालिग के साथ दुराचार के मामले में मेवाराम जैन की मुश्किलें काफी बढ़ गई। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने और कथित वीडियो वायरल होने पर कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से भी बाहर निकाल दिया था। ये मामला न केवल राजस्थान में बल्कि देश भर में चर्चाओं में रहा। अब पॉक्सो कोर्ट के निर्णय से जैन को बड़ी राहत मिल गई है। बता दें, पूर्व विधायक मेवराम जैन के खिलाफ दिसंबर 2023 को मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में जैन के अलावा पुलिसकर्मी, अधिकारी और स्थानीय नेताओं के नाम भी शामिल थे। कुल 9 आरोपी बनाए गए थे, जिनमें डिप्टी CM आनंद राज पुरोहित, इंस्पेक्टर गंगाराम खावा, सब इंस्पेक्टर दाऊद खान, रामस्वरूप आचार्य, उप सभापति सुल्तान सिंह, प्रधान गिरधार सिंह, प्रवीण सेठिया और गोपाल सिंह राजपुरोहित के भी नामजद आरोपी थे। FIR में पीड़िता की ओर से घर में घुसकर दुष्कर्म, गैंगरेप, पॉक्सो, ब्लैकमेलिंग, जान से मारने की धमकी, मारपीट के आरोप लगाए गए थे। साथ में SC ST एक्ट की धाराएं भी लगाई गई थी। वही राजीव गांधी थाने में दर्ज हुए मुकदमे में पुलिस की ओर से FIR पेश की गई। पॉक्सो कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। पॉक्सो कोर्ट के जज डॉक्टर सूर्य प्रकाश पारिक ने FIR पर सुनवाई करते हुए कहा, पुलिस की ओर से गहन अनुसंधान किया गया, अनुसंधान सही प्रतीत होता है। इस जांच में किसी को भी हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने माना है कि इस प्रकरण में परिवादी पक्ष अब आगे की कार्रवाई नहीं चाहता है। ऐसे में पुलिस की ओर से FIR पेश की गई, जिसे स्वीकार किया जाता है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।